आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ गिले शिकवों का सिलसिला तो चल रहा है मगर विफाक़ में इनकी हुकूमत रही पिछले टर्म और अगर सूबा सिंध की बात की जाए जिसका अफकोर्स कराची हिस्सा है बहुत अहम तो पिछले कई सालों से इनके पास हुकूमत है लेकिन उसके बावजूद मसाइल में ऐसा लगता है बढ़ावा ही आता जा रहा है और उन मसाइल पे हम काबू नहीं पा पा रहे इसकी क्या वजह है इस पर थोड़ी तो सी रोशनी डालने के लिए खूसा जो इकतसादी सूरत हाल है क्योंकि इकनॉमिकली भी उसकी स्ट्राटी प्रजेंट करने में कई दफ़ा इन्होंने अपना किरदार अदा किया आज यहाँ पर इस फोरम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी भरपूर तालीम में यहाँ पर दावत देना चाहूँगी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को पसमदार वहीम आज के तकरीब के ऑर्गेनाइज़र असफर एहसन मेरे तमाम मोहतरम पैनलिस्ट स्टेज पे पर हैदर साहब मैंने अभी आपको दिखाया आज मेहमानों में जो ये पैक हॉल है इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो ज़्यादा अमूमन हमारे इस तरह के सेमिनार में फंक्शनों में नहीं नजर आते वो ख़ास तौर से आए और मैं समझता हूँ इस बात की निशानदेही करता है कि इस शहर कराची से उनकी मोहब्बत इस शहर कराची के मसाइल में उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है कि वो आज इस फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते थे मैं बाबा कौम के शहर कराची में पला बड़ा यहीं पैदा हुआ यहीं तालीम हासिल की आज भी जब मैं डीजे कॉलेज के सामने से गुज़रता हूं तो वो बंद कबाब का तीन रुपये वाला लंच मुझे बहुत याद आता है जो ले कर फिर हम दोबारा क्लासेस में चले जाते थे इस शहर को तरक्की करते हमने देखा जैसी जैसी उम्र बढ़ती गई हमने उस शहर में वो तमाम ख़ूबियाँ देखी जिस पर हमें फ़ख्र होता था मान होता था बहुत और ये बात सही है कि लोग देखने आते थे कराची को पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होते थे जो महफिलें होती थी यहाँ पे उनका एक अंदाज ही डिफ़रेंट होता था लेकिन फिर इस शहर को नज़र लग गई ये शहर अंधेरों और मायूसियों के अंधेरे में धंसता गया मैं ज़्यादा बात करूँ इकनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से कि मैंने अपने सामने बड़े बड़े ग्रुप्स को जो दावा करते थे कि कराची में जीना है और कराची में मरना है बच्चों से कहा कि इंडस्ट्री शिफ्ट करो पंजाब नाम नहीं लूंगा मैं दर्जनों में और फिर ये इंडस्ट्री यहाँ से उखड़ के दूसरे शहरों में भी गई मुल्क से बाहर भी गई और वो लोग जो मुलाजमत पेशा थे वो बेरोज़गार होते गए फिर मुझे भी याद है कि जब मैं मुझे तो सुबह उठ के ऑफिस जाने की आदत है जब मैं हड़ताल वाले दिन फैक्ट्री तक पहुंचने में कामयाब हो जाता था रास्ते में मनास के हाथ जोड़ के लोगों को इमरजेंसी अर्जेंसी एक्सपोर्ट ऑर्डर का बता के तो गेट पे हमारे आदमियों को रोका हुआ होता था वर्कर्स को और कहते थे दो चॉइस हैं बंद करें या आग लगाते हैं ये आग कलर बिल्कुल नया नहीं है, नहीं है। बीस तीस बार मैं सुन चुका हूँ अपने फैक्ट्री के गेट पे और लगी भी आए बल्दिया का जो हादसा है वो कोई इसी तरह का हादसा था क्या वजह है ये शहर कहाँ से कहाँ तनजुल की तरफ़ जाने लगा फिर ये भी हमने देखा कि लोगों ने जिनके पास जमा पूँजियाँ थीं उन्होंने अपने पैसे मुल्क से बाहर मुंतकिल किए और रियल स्टेट में दूसरी जगह पर उनकी सरमाकारी करी जो आज तकरीबन एक सौ बीस अरब रुपए एक सौ बीस अरब डॉलर बनते हैं शबर जदी साहब उनकी किताब में एक सौ पचास अरब डॉलर की फिगर है मैं उन लोगों को बुरा नहीं कहता और ये प्राइम मिनिस्टर से भी हमने बात की थी कि ये वो लोग थे जो भत्ताखोरी की वजह से किडनैपिंग फॉर रैमसम की वजह से टारगेट किलिंग की वजह से बच्चों की जान के जाने के खौफ से इनके पास जो जमा पूंजी थी सरमाया था उम्र भर का उन्होंने मुल्क के बाहर भेज दिया किसी ने बिजनेस में लगाया किसी ने ताकि उनके ये जो जमा पूंजी है वो महफूज रही वो हालात थे जिसके तहत ये सरमाए की मुंतकली हुई है और हमने उनसे कहा कि अब हालात बेहतर हैं आपको एमिनिस्ट्री लाएं ताकि वो पैसा वापस आ सके मुल्क में जैसे और मुल्कों में हुआ है तो इन सब बातों का पहले जुमले से तो मैं जवाब खुद दे दूं, कोई सवाल पूछने के बजाय कि मुझे इस तमाम अरसे में शहर की ओनरशिप नहीं नजर आई बहुत दुख की बात है ये। जैसे और शहरों में मैं नाम नहीं लूंगा आपको ओनरशिप नजर आती है उसकी तरक्की में उसमें डेडिकेशंस में लेकिन इस शहर की हमें वो तमाम हुकूमतें मेरी अपनी पार्टी समेत हमारे कॉलिजन पार्टनर समेत और तमाम साथ रहे हैं इस शहर की ओनरशिप हमें नहीं नजर आई अपने अपने मफादात के लिए काम हुए एडॉक बेसिस पे फैसले किए गए रूथलेसली इस शहर को उजाड़ा गया यह तो अल्लाह ताला का करम है अफाज पाकिस्तान और लाइन फोर्समेंस एजेंसीज ने कराची ऑपरेशन के लिए जब वजी अजम यहाँ कराची आए थे गवर्नर हाउस में चार्ट संभालने के बाद तो उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या हम कराची ऑपरेशन के लिए जाएं? ये नहीं कहा था कि हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी इट कैन गो इधर वे उस वक्त बिजनेस कमेटी थी फौज के सब टॉप ब्रश तमाम सियासी जमातों के लोग भी थे और सब ने सोच के जवाब दिया कि नहीं सर हम आपके साथ हैं कराची ऑपरेशन कर दें बहुत हो चुका सिसक सिसक के मरने के बजाय एक बार मर जाए फिर यह फैसला किया गया था के कराची ऑपरेशन हो और मैं सलाम पेश करता हूँ उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रेंजर्स को और हमारी अफवाज को कि उन्होंने वो काम दिखाया है कि जो मुर्दे में जान डाल दी है ये रोशनियों का शहर की रोशनियाँ वापिस आ जाना इतना आसान नहीं होता मुर्दे में जान दोबारा डालना इतना आसान नहीं होता अब ये शहर दोबारा ईद पे बकर पे मैं लेके जाता हूँ बच्चियों को मेहंदी लगवाने कि उनका शौक़ होता है कि फुटपाथ पे बैठ के लगानी जो हम मना कर देते थे, थे, थे उनको कि नहीं हालात ऐसे नहीं हैं तो इस शहर के साथ हम सिर्फ नहीं रहे प्लीज़ मुझे गलत ना समझिएगा मैं अपनी सियासी जमात समेत बात कर रहा हूँ उन कोताइियों का तराफ़ कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादा ज़रूरी अब चीज़ है कि आगे क्या करना है चलें दोबारा ऑक्सीजन दे दी गई मरीज़ किसी हद तक खड़ा नहीं हुआ तो बैठ गया है माशाल्लाह। तो अब क्या हमने करना है देखें इस शहर के जो मेन मसाइल हैं जिसके लिए मुराद अली साहब जब सीएम बने उनके बाद वो हमारी लैंग्वेज रहा एक दूसरे से समझते हैं तो हमने बहुत सारी बातें की तो जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे सबसे ज्यादा तकलीफ पानी की है जब 5000 हजार रुपए की पर्ची के देता है मुझे मेरा हाउस बॉय टैंकर वाला आया है पहले पैसे मांग रहा है तो बहुत तकलीफ होती है ये तो बेसिक राइट है कल हवा भी फिर बिकने लगेगी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा पानी सनतकारों का अपना पानी वो चोरी करके आपको मैं पे करता था तीस हजार से पचास हजार रुपये डेली डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन अपना पानी चोरी लिया किया हुआ मैं खरीदता था क्योंकि मुझे शिपमेंट करनी होती थी और जितने मैंने लॉसेस किए हैं उन हड़तालों में वक्त पे जो शिपमेंट नहीं हो सकी और फिर हमने बायर को जब तक मनाते थे मनाए और एक वक्त में उसने कहा गेट लॉस हमारा तो रूटीन ही यही है ये वक्त पे शिपमेंट नहीं कर पाते हड़ताल हड़ताल क्या हड़ताल से हमारा क्या ताल्लुक तो वो वक्त भी हमने देखा लिहाजा अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मास ट्रांसिट का सर्कुलर रेलवे का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और वाटर का एक्सपेंसिव पावर का क्या इलेक्ट्रिक के टैरिफ पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगे हम ले रहे हैं वो हमें पीक आवर्स का अठारह रुपए का टैरिफ भी चार्ज कर लेते हैं नॉन पीक में साढ़े बारह पे है तीन रुपये प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्रियल टैरिफ कमी दी कराची की सनतों को वो नहीं मिला सर तोड़ के डाल दिया कि भाई हमें क्यों नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान को मिला है क्या इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया निजी इदारा है उसका डिसीजन है वारे में आता तो लें नहीं तो अपनी बिजली लगाएं मैं कहता हूं कराची के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं मुझे वक्त याद है पानी नहीं मिलता तो टैंकर खरीदते रहे तीस से पचास पचास हजार सिक्योरिटी नहीं तो गार्ड रख लिए बिजली नहीं है जनरेटर्स लगा के कि हमने किस तरह से सनतें चलाई और यह शहर वो शहर है जो स्पोर्ट सिटी से 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट और बावन बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बहत्तर बिलियन डॉलर इस शहर कराची से गुड्स गुजरती हैं अब कंट्री जाने के लिए यह वो शहर है आपका जो मुल्क की इकॉनमी का बैरोमीटर है मुल्क की इकोनॉमी को जब कोई पूछता है आपको याद है कराची स्टॉक एक्सचेंज ही तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नाम करा चौवन हजार पॉइंट तक पहुंचा दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट आज वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है तबाह हो गई बहन बैठी हमारी स्टॉक एक्सचेंज की छोटे सरमाए कर धुल गए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन ये सब मैसेजेस सबसे ज़्यादा शर्मीला इन्वेस्टर्स होता है एक मिनट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है मैं यहाँ पे इस गरीब परवर शहर से जिसने सबको अपने बाहों में हमेशा जगह दी लोग मायूस हो के ट्रक में ट्रेन में यहां आते हैं और इस शहर ने कभी मायूस नहीं किया जॉब्स देने में लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं रही है कराची की साइट को देख लें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया वेयर हाउस बन रही हैं वेयर हाउस क्योंकि उनको महीने के उसके पांच सात लाख रुपए मिल जाते हैं ना कोई फिक्र है ना इंस्पेक्शन एजेंसीज है ना पानी की फिक्र ना बिजली की ना गैस की मैं हल्फिया आपको बतलाता हूँ साइट में कोई फिफ्टी परसेंट मैं इंडस्ट्रीज को जानता हूं जो अब वेयर हाउसेज में तब्दील हो चुकी हैं अरे भाई और सेम विद कोरंगी और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं जबकि दूसरे सूबों में जो इंडस्ट्रियल जोन है जिस तरह से उनमें जो मराद दी जा रही है अंडर वन स्टॉप अंडर वन विंडो चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट और दूसरी है तो यह तो हमारी एक खुशियत है स्किल है कि हम रिबाउंस कर लेते हैं और हम दोबारा रिंग में आ जाते हैं मैदान में आ जाते हैं मैं जब बाहर जाता हूं पर्सनल विजिट पे या ऑफिशियल विजिट पे तो अमेरिका कैनेडा सबसे ज्यादा लोग डिनर में जो पूछते हैं वो कराची यार कराची का पता अब क्या हालत है बहुत दिल चाहता आने का लेकिन बच्चे नहीं जाने देते या बच्चे भी यहाँ आ गए हैं वगैरह वगैरह तो हम आपसे एक वादा करते हैं इ कि आपकी एफिलिएशन की सियासी जमात से ये शहर हमारा है हमने यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं हमें दफन होना है हमारे बच्चों का यहीं मुस्तकबिल है अगर हम अपना अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इस शहर को वो हक नहीं दे रहे वो मनसब नहीं दे रहे जो इसका हक है मैं असफर से ये रिक्वेस्ट करूँगा इस सिलसिले को जारी रखें क्योंकि जब आप चीज़ें शेपअप कर रहे होते हैं तो वो ये कि दो मीटिंग में नहीं होती अभी तो दिल की भड़ासें निकल रही हैं अभी हमने बहुत क्रिएटिव एंड कॉन्क्रीट काम करना है कि जो सजेशन और जो प्रपोज़ल्स फाइनल होते हैं फिर एक ये तय है कि उसको किस लेबल पे अपने अपने ताल्लुक लगा के कराया जाए और वही हमारा आपका जजमेंट होगा कि हम इस शहर के साथ कितने मुखलिस हैं बहुत शुक्रिया बहुत <प्रेथ> बहुत <बहुं> शुक्रिया <प्रेथ> साहब